हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इग्नू के ऑनलाइन प्रोग्राम्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे हम डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं इग्नू के ऑनलाइन प्रोग्राम वेबसाइट पर। ये इग्नू का मेन पोर्टल है। हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा ऑनलाइन प्रोग्राम्स। हमने इस पर क्लिक किया तो हम ऑनलाइन प्रोग्राम्स की वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ इनके ऊपर लिंक्स दिए हुए हैं, नीचे ब्रीफ इंट्रो। अब हम प्रोग्राम ऑनलाइन प्रोग्राम्स में आते हैं। यहाँ पर इनकी चार कैटेगरी, मास्टर, बैचलर, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट। हम डिप्लोमा में कोई एक कोर्स चूज करते हैं। तो अभी हम क्रिएटिव राइटिंग चूज करते हैं। अब हम क्रिएटिव राइटिंग के डिटेल पेज पर आ चुके हैं। अबाउट द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम के बारे में इन्होंने ब्रीफ इंट्रो दिया हुआ है, तो आप इसको रीड करके इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं कि आपको ये किस तरह की चीज़ें सिखाएंगे। अंडरस्टैंडिंग स्किल एंड प्रोफेशनल नॉलेज अबाउट द आर्ट ऑफ राइटिंग एंड डेवलप्स द क्रिएटिव एबिलिटी। तो अब हम इसके फर्स्ट लिंक पर आते हैं, एलिजिबिलिटी एंड मीडियम। एलिजिबिलिटी एंड मीडियम, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? एप्लीकेंट विद 10+2, यानी कि हमें 12वीं पास होना चाहिए। एंड एक चीज़ और, इस एनीवन विदाउट 10+2 बट 10 ईयर्स ओल्ड, इसमें 20 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति एनरोल कर सकता है, चाहे वो 12th पास है या नहीं। और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो इसका जो माध्यम है पढ़ाई का, वो होगा आपका इंग्लिश। सेकंड आपका ड्यूरेशन एंड फी स्ट्रक्चर, इसकी जो ड्यूरेशन है वो 1 से 3 साल है। फी स्ट्रक्चर नेशनल इंटरनेशनल, इसमें हम नेशनल स्टूडेंट्स के लिए 4100 रुपये है फुल प्रोग्राम, जिसमें आपकी 300 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फीस भी शामिल है। उसकी एग्जामिनेशन फीस इसमें इंक्लूड नहीं है, उसको यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है। अब हम फीस स्ट्रक्चर फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में आते हैं। यहाँ पर सार्क स्टूडेंट्स के लिए 8000 रुपीज़ फीस रखी गई है फुल प्रोग्राम के लिए, और नॉन सार्क के लिए $600। सार्क कंट्रीज़ जो मैं पहले बता चुका हूँ, इसमें अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सब सार्क कंट्रीज़ में आते हैं, और पाकिस्तान। इसमें भी एग्ज़ाम फीस इंक्लूड नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ को डिसाइड करेगी। जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टस अभी डिसेबल है, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर में आते हैं। ये आपके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होंगे, जहां पर आप ईमेल डालकर कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल यहां पर 2 ईमेल दी हुई हैं, 2 कोऑर्डिनेट पर्सन के नाम दिए हुए हैं। अब हम आते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS। यहाँ पर इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, अगर आपने किसी कोर्स के लिए एनरोल किया हुआ तो उसका असेसमेंट वगैरह कब सबमिट करना है, और उसके एडमिट कार्ड कैसे मिलेंगे, और दूसरी चीज़ें की डिटेल यहाँ पर दी हुई है। अभी हमने यहाँ पर क्लिक किया है एडमिट कार्ड कैसे लेना, तो यहाँ पर आपको एनरोलमेंट नंबर डालना है और आपका प्रोग्राम कोई भी उसको सिलेक्ट करना, और सबमिट करके आप अपना एडमिट कार्ड ले सकते हैं। 1080 शीट फॉर कंडक्ट, ये सब उन्हीं के लिए है जो ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। उनके टर्म एंड एग्जामिनेशन,
प्रोग्राम कब ओपन होगा, कब क्लोज होंगे, इन सब चीज़ के बारे में डिटेल से। ई कंटेंट, यहाँ पर इन्होंने कुछ कंटेंट प्रोवाइड कराया है, ई कंटेंट जैसे कि वीडियोस, पीडीएफ या दूसरी तरह की ऑनलाइन फाइल्स, डिस्कशन, एक फॉर्म बनाया हुआ जहाँ पर आप अपने प्रॉब्लम्स रख सकते हैं और सॉल्यूशन गेट कर सकते हैं। लाइव इंट्रैक्शन है, इन्होंने यहाँ पर एक लाइव क्लासेस का सेक्शन बनाया हुआ जहाँ से आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं। फोर्थ है आपका ये असेसमेंट, जिसमें आप अपनी क्विज या फीडबैक दे सकते हैं। अब हम आते हैं प्रोग्राम गाइड, ये सेम हमारा वही LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें कुछ नया नहीं है, जो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। अब हम आते हैं कोर्स स्ट्रक्चर पर, ये हमारा कोर्स स्ट्रक्चर है जिसमें जनरल प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग, फीचर राइटिंग, शॉर्ट स्टोरीज, राइटिंग फॉर मीडिया रेडियो एंड टेलीविजन, राइटिंग पोएट्री एंड प्रोजेक्ट्स, ये सब हमको सिखाया जाएगा। तो ये थी डिटेल्स कि हम कैसे शॉर्ट टर्म वोकेशनल कोर्स में एनरोल इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। मैं भी आपको दोबारा से फॉर्म फिल करना सिखाऊंगा। तो फ्रेंड, ये है इसका फॉर्म जहां पर आपको एक यूनिक यूज़र नेम लेना है। यहां पर आपका नेम आएगा फुल जो डॉक्यूमेंट्स में है, थर्ड आपकी ईमेल, आपको अपनी ईमेल री एंटर करनी होगी अप्रूवल के लिए, अपना कोई भी पासवर्ड, सेम पासवर्ड आपको यहाँ लिखना है, मोबाइल नंबर, अगेन मोबाइल नंबर सेम, फिर आपको यहाँ कैप्चा लेना है, रजिस्टर पर क्लिक करना है। ये नंबर थोड़ा गलत हो गया, इसको मैं अभी दोबारा सही करता हूं। फिर अगेन रजिस्टर, ये हमारा फॉर्म ओपन हो चुका है। अभी फिलहाल हमें पहले लॉगिन करना होगा, अगेन कैप्चा डाला और लॉगिन, ये कुछ डिटेल्स हैं जो मैं पहले ही बता चुका था फॉर्म में, ये हमें एक्सेप्ट करनी होती है और सबमिट। ये हमारा फॉर्म खुल चुका है और हम इसको फिल करेंगे स्टेप बाय स्टेप, अपनी डिटेल्स डालते हुए, क्या कोर्स है, कुछ अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन हमें देनी होती हैं जो आपको फील्ड्स के अकॉर्डिंग फिल करनी होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको इग्नू के ऑनलाइन प्रोग्राम्स के बारे में बता चुका हूँ, वीडियो देखें और एनरोल करें। बाय।